क्लास टू सब्जेक्ट हिंदी पाठ 10 एक ही मात्रा। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे पाठ 10 एक ही मात्रा। बच्चों तो ये है हमारा पाठ 10 एक ही मात्रा। यहाँ पे हमें चित्र दिए हैं और उसके नेम दिए हैं। तो पहले मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद आपको पढ़ने है। तो पहला चित्र है थेला। थको बे मात्रा थे लको काना ला थेला। उसके बाद दिया है मैना। मको बे मात्रा में नको काना ना मैना। नेक्स्ट है पैसा। पको बे मात्रा पई सको काना सा पैसा। और लास्ट दिया है बैल। बको बे मात्रा बे ल बैल। स्टूडेंट उसके बाद हमें दिया है पढ़ो और समझो। तो पहला शब्द है मैया, गैया, मैंदा, मैदान, हैरान, तैराक, सैनिक, दैनिक, कैसा, बैठना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे एक ही मात्रा वाले शब्द। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें दिया है एक लेसन जिसका नाम है नैना और वैभव। नैना वैभव की बहन है। वैभव उसके साथ सुबह सैर करने जाता है। नैना वैभव की छोटी बहन है और वो दोनों रोज सुबह सैर करने जाते हैं। एक दिन वे नदी के किनारे सैर करने गए। एक दिन वो कहाँ गए? नदी के किनारे सैर करने गए। और वहाँ पे किनारे पर एक नैया खड़ी थी। और किनारे पर क्या खड़ा था? एक नैया। नैया मतलब कि नाव। किनारे पर एक नाव खड़ी थी। नैना ने कहा भैया मुझे नदी में तैरना है। नैना ने भैया को क्या कहा? मुझे नदी में तैरना है। तो भैया ने उसे समझाया नैना नदी का पानी बहुत ही मैला है। नदी का पानी कैसा था? बहुत ही मैला था, यानी कि गंदा था। तुम नैया पर बैठ जाओ। भैया ने नैना को क्या कहा कि तुम नैया पर बैठ जाओ। और नैना मान गई और वह नैया पर बैठ गई। नैना ने भैया की बात मान ली और वो नैया पर बैठ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पार्ट 10 एक ही मात्रा। स्टे होम स्टे सेफ।